जय हिंद। दो टूक में आपका स्वागत है। आज आपको बताएंगे आपकी जीत की कहानी, आपकी विजय की कहानी, आपके साथियों ने किस तरह से इतिहास को मजबूर कर दिया कि वो करवट ले। इतिहास जब करवट लेने वाला होता है तो इसके संकेत पहले से मिलने लगते हैं, संकेत मिलने लगे हैं, चुनाव के नतीजों से इसके संकेत मिले हैं। राजनीतिक दल कोई सीख लें या न लें ये उन पर निर्भर है, पर अगर वो सीख लेना चाहें तो सीख बिल्कुल साफ है कि इतिहास बदलने वाला है, इतिहास करवट लेने वाला है और अब जनता उनके किसी भी अपराध को माफ करने वाली नहीं है। एग्जिट पोल और मीडिया के हमारे साथियों ने कहा था चुनाव से पहले कि भ्रष्टाचार अब कोई मुद्दा नहीं है देश में, और तमिलनाडु में तो बिल्कुल नहीं है, और यहां बराबरी की लड़ाई होगी। करुणानिधि या जयललिता किसी की भी सरकार बनेगी तो बहुत थोड़े मतों से बनेगी, लेकिन तमिलनाडु के मतदाताओं ने इस धारणा को खत्म कर दिया कि भ्रष्टाचार कोई मुद्दा नहीं है। इन चुनावों ने राजनीतिक दलों की कई धारणाओं को तोड़ दिया। राजनीतिक पार्टियां चुनाव में अपने दावे करें, ज्यादा पैसा खर्च करें, पैसा बांटें, मीडिया को खरीदें, फर्जी सर्वे रिपोर्ट छपवाएं और ये सोच रहे हैं कि लोग उन्हें बहकावे में या भ्रम में आकर के वोट दे देंगे, ये अब नहीं होने वाला। इन चुनावों ने ये साबित कर दिया। परफॉर्मेंस जरूरी है। अगर आप सरकार में हैं, अगर आप विरोधी दल में हैं, परफॉर्मेंस नहीं करते तो आप किनारे कर दिए जाएंगे। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में पॉजिटिव वोटिंग हुई, असम में फ्रैक्चर्ड पॉजिटिव वोटिंग हुई, इसी तरह पुडुचेरी में पॉजिटिव वोटिंग हुई। मतदाता परिपक्व हो रहा है, उसने एक झटके में सभी को सीख दी और बहुत सारी गलतफहमियां भी दूर कर दी। हिंदुस्तान में जब मतदाताओं को मौका मिलता है वोट देने का, अपनी राय देने का, तो वो अपना कर्तव्य निभाता है, सही फैसला देता है। बंगाल में मतदाताओं ने यही किया। पिछले 34 सालों में पहली बार लोगों ने आजादी से वोट डाले। ममता बनर्जी की छवि, उनका लड़ाकू चेहरा, लोगों के लिए आश्वासन, वामपंथ से निराशा और ममता के प्रति आशा जैसे कई सवाल थे। इसके अलावा बंगाल में चुनाव आयोग की भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी। बंगाल से मेरे दोस्तों ने मुझे फोन करके बताया कि पिछले 30-35 सालों में पहली बार लोगों ने अपनी मर्जी से अपने उम्मीदवारों को वोट दिए। जब लोगों ने वोट डाले तो ऐसा इतिहास बदला जो एक नया पन्ना भारतीय राजनीति के इतिहास में जोड़ गया। बंगाल में वाम मोर्चे का सफाया क्यों हुआ? पिछले 34 सालों से बंगाल की खाड़ी से हिमालय की गोद तक वामपंथ का परचम लहराता रहा। ज्योति बसु के आखिरी दिनों और बुद्धदेव भट्टाचार्य की सरकार के दौरान गड़बड़ियां शुरू हुईं। वामपंथियों ने इस झंडे का रंग तो याद रखा, लेकिन इसके हथौड़े और हसिये को भुला दिया, मजदूरों और किसानों को भुला दिया। सोनार बांग्ला पीतल और तांबे की बन गई। चुनाव में जनता का संदेश साफ है कि हथौड़े और हसिये वाला लाल झंडा बंगाल की खाड़ी में विलीन होने वाला है। वाम मोर्चे की सबसे बड़ी ताकत उसकी विचारधारा है, मजदूरों और किसानों के विकास की विचारधारा है। वामपंथी सरकार ने विचारधारा और दायित्व दोनों को भुला दिया। निजीकरण और उदारवाद की लपटें बंगाल तक पहुंच गईं। कल कारखाने बंद हो गए, मजदूर बेरोजगार हो गए, मजदूर किसान युवा और कामगार पश्चिम बंगाल से पलायन करने लगे। वाम मोर्चा की सरकार जब पश्चिम बंगाल में आई तब उसने भूमि सुधार जैसे क्रांतिकारी कदम उठाए। जिनके पास जमीन नहीं थी उन्हें जमीन मिली। पूरे देश के लिए पश्चिम बंगाल एक उदाहरण बन गया, लेकिन भूमि सुधारों वाली दुधारू गाय सूख गई। जमींदारों का एक वर्ग गया तो 32 सालों से बिल्डरी और सरकारी ठेकों का माल खाने वाला एक नया मालदार वर्ग तैयार हो गया। कभी भूमिहीनों को भूमि देने वाली सरकार किसानों से जबरदस्ती जमीन छीनने वाली सरकार बन गई। वामपंथी पार्टियां देश की सबसे संगठित पार्टियां हैं। समाज के हर क्षेत्र में इनकी शाखाएं हैं। शहर हो या गांव, सीपीएम और सीपीआई का आधिकारिक कार्यकर्ता होना गर्व की बात होती है, लेकिन समय के साथ साथ इसमें बदलाव आया। पढ़े लिखे और भद्र लोगों की जगह गुंडे और बदमाशों ने ले ली। पार्टी संगठन विकृत और पथ भ्रष्ट हो गया। लोग वामपंथी दलों के कार्यकर्ताओं से डरने लगे। सीपीएम के कार्यकर्ता दुर्गा पूजा या फिर किसी और कार्यक्रम का बहाना बनाकर लोगों से वसूली करने लग गए। पार्टी कार्यकर्ता गुंडों में परिवर्तित हो गए। छात्र राजनीति भी गुंडागर्दी का अड्डा बन गई। पुलिस भी पार्टी के इशारे पर काम करने लगी।
ग्रामीण इलाकों में कार्यकर्ता खुले आम पुलिस के सामने हथियार लेकर लोगों को डराने और धमकाने लग गए। पार्टी कार्यकर्ताओं की अकड़ और घमंड से लोग सहम गए। पश्चिम बंगाल का बुद्धिजीवी वर्ग वाम मोर्चा के साथ रहा। पिछले कुछ सालों से ये बुद्धिजीवी वर्ग वाम मोर्चा से दूर चला गया है। इतना दूर कि नंदीग्राम, सिंगूर और लालगढ़ जैसी घटनाओं के बाद ये लोग सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर आए। पश्चिम बंगाल के लोग वाम दलों के कार्यकर्ताओं के आतंक और अहंकार से परेशान हो गए। वामपंथी दलों की ताकत कमजोरी में बदल गई। जिन मूल्यों के लिए वामपंथ कभी आंदोलन करती थी, उन मुद्दों पर अब ममता बनर्जी संघर्ष करती नजर आई। बंगाल का नतीजा निजीकरण, उदारीकरण और बाजारीकरण के खिलाफ है। जनता का संदेश साफ है कि जो सरकार जनता के लिए काम नहीं करेगी, उसे जनता उखाड़ फेंकेगी। राजनीतिक दलों को ये संदेश मिला है कि एयर कंडीशन कमरों में बैठकर, टेलीविजन चैनलों के स्टूडियो में बहस करके अपनी राजनीति चमकाने वाले नेता जिस किसी पार्टी के कर्ता धर्ता होंगे, चुनाव में उसका यही हाल होगा। देश की जनता ने इस बीमारी को अब पहचान लिया है। बंगाल के बाद वामपंथ का दूसरा किला केरल, यहां भी वामपंथ हार गया, लेकिन मजबूती से और बहादुरी से हारा। अगर केरल में आपस में लड़ाई न हुई होती और अच्युतानंदन जी की बेइज्जती वहां न की गई होती, तो वहां पर वाम मोर्चा शायद चुनाव नहीं हारता, कांग्रेस गठबंधन जीत गया। देखते हैं केरल की जनता ने इस चुनाव में क्या संदेश दिए। केरल में कांग्रेस अपनी सरकार बनने से खुश हो सकती है, लेकिन ये देखना होगा कि कितनी सीटों से उसने अपनी सरकार बनाई है। अगर केरल के वामपंथियों, खासकर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी में अंतर्कलह नहीं होता और वो जी जान से चुनाव लड़ती, तो कांग्रेस के लिए वहाँ सरकार बनाना मुश्किल हो जाता। इसमें कोई दो राय नहीं है कि केरल का एक चरित्र बन गया है कि वहाँ की जनता सरकार बनाने वाली पार्टियों को हर 5 साल में बदल देती है। लेकिन इस बार का नतीजा कुछ और ही संदेश दे रहा है। बीएस अच्युतानंदन के नेतृत्व में मार्क्सवादी गठबंधन यानी एलडीएफ की हार तो हुई है, लेकिन कांग्रेस गठबंधन की जीत को भी जीत नहीं कहा जा सकता। इस बार एलडीएफ 68 सीटों पर जीतने में कामयाब रहा, वहीं कांग्रेस गठबंधन यूडीएफ को 72 सीटें मिली हैं, जो बहुमत से केवल 1 सीट ज्यादा है। इस जीत से कांग्रेस को बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है और कांग्रेस के नेता भी इस बात को समझ रहे हैं। कांग्रेस को केवल 23 सीटें ही मिली हैं। कांग्रेस की जीत में उसके घटक दलों का बड़ा हाथ है। मुस्लिम लीग का प्रदर्शन इस बार काबिले तारीफ रहा है। उसने 24 सीटों पर लड़कर 20 सीटें हासिल की है। अच्युतानंदन जैसे साफ छवि वाले नेता की तारीफ होनी चाहिए, क्योंकि इतना कम अंतर होते हुए भी उन्होंने विपक्ष में बैठना उचित समझा। अगर इतनी ही सीटें कांग्रेस को आती तो केरल की राजनीति का मिजाज कुछ और होता। इतने कम संख्या और बहुमत से केवल 1 सीट अधिक होना कांग्रेस के लिए कांटों का ताज भी बन सकता है। कांग्रेस गठबंधन का प्रदर्शन इस बार मुस्लिम और ईसाई बहुल इलाकों में काफी अच्छा रहा। जैसा कि चुनाव के पहले अटकलें लगाई जा रही थी, मुसलमानों ईसाइयों का एक तरफा समर्थन कांग्रेस गठबंधन को मिला। केरल में 44% मतदाता मुस्लिम और ईसाई हैं। वैसे कांग्रेस के पक्ष में मुसलमानों के रुझान को इस बात से भी समझा जा सकता है कि मुस्लिम लीग ने इस बार 20 सीटें जीती हैं। ईसाइयों ने भी कांग्रेस का खुला समर्थन किया है। दरअसल वामपंथ अपनी राजनीति और बुनियादी उद्देश्यों से भटक गया है। पुराने वामपंथी भी इसे मानते हैं। वामपंथ की पहचान केरल से नहीं, बंगाल से है। वहां इसका सफाया हो गया है। आज वामपंथ के सामने चुनौती है, वामपंथी अगर गरीबों, किसानों, दलितों और अल्पसंख्यकों की आवाज नहीं उठाते हैं, सड़कों पर आंदोलन नहीं करते हैं, तो फिर उनका जिंदा होना मुश्किल है। अगर ये करते हैं तो शायद दोबारा जिंदा हो। भूतपूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य ने पिछले विधानसभा चुनाव से पहले ज्योति बसु की सलाह नहीं मानी। ज्योति बसु को वीपी सिंह ने सलाह दी थी कि बंगाल में मुसलमानों से पिछले 34 सालों में किए गए वायदों को अगर पूरा नहीं किया गया तो आपका सत्ता में वापस आना मुश्किल है। बुद्धदेव भट्टाचार्य ने ज्योति बसु को आश्वासन दिया था कि वो उन वादों को अवश्य पूरा करेंगे। विश्वनाथ प्रताप सिंह की अपील पर मुसलमानों ने पिछले चुनाव में वामपंथियों का साथ दिया, लेकिन बुद्धदेव भट्टाचार्य ने उन वादों को पूरा नहीं किया। मैं दोहराता हूं, वायदों को पूरा नहीं किया। इसका परिणाम इस चुनाव में दिखा। बंगाल के अल्पसंख्यक यानी मुस्लिम समाज वामपंथ से कटकर तृणमूल कांग्रेस के साथ पूरी की पूरी संख्या में जुड़ गया।
टोटलिटी में जुड़ गया। वामपंथी अपनी आलोचना करेंगे, आत्मालोचना करेंगे, लेकिन असली जगह नहीं पहुंच पाएंगे, कारण नहीं समझ पाएंगे। चुनाव से एक साल पहले कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव एवी वर्धन से मेरी बात हुई। वर्धन साहब इस राय से सहमत थे। चुनाव के चार महीने पहले मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव प्रकाश करात से मेरी बातचीत हुई, वो भी इस बात से सहमत थे, लेकिन उन्होंने बंगाल में अपनी गलतियां सुधारने की कोशिश नहीं की। हो सकता है कोशिश की हो और बुद्धदेव भट्टाचार्य ने न माना हो। वामपंथियों के सामने अब एक अंतिम अवसर है। अगर वे जनता का संघर्ष लेकर खड़े रहेंगे तो उनकी प्रासंगिकता बची रहेगी, वरना उनकी प्रासंगिकता समाप्त होने का डर पैदा हो जाएगा। ममता बनर्जी को बंगाल के लोगों ने जिताया, चुनाव आयोग ने भी रास्ता साफ किया, अब ममता की बारी है। उनके पास सिर्फ 6 महीने का वक्त है। डॉक्टर लोहिया कहा करते थे कि जो सरकार 6 महीने के भीतर अपने किए जाने वाले कामों की नींव न डाल सके और रोड मैप न बना सके, वो बचे हुए 4.5 सालों में कुछ भी नहीं कर सकती, सिवाय जनता को निराशा देने के, जनता को धोखा देने के और जनता को बरगलाने के। बंगाल में इन्हीं 6 महीनों में तय होगा कि ममता बनर्जी एक सफल मुख्यमंत्री के रूप में अपना कार्यकाल पूरा कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगी। सवाल यह है कि उनका कार्यकाल किस तरह के मुख्यमंत्री के रूप में पूरा होगा, लोगों की आशा पूरी करने वाले मुख्यमंत्री या लोगों को निराशा देने वाले मुख्यमंत्री। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि तमिलनाडु, पुडुचेरी और असम की जनता ने इस चुनाव में क्या संदेश दिया और किस तरह आपके जीत का सेहरा उन्होंने अपने अपने प्रदेशों में लिखा। ब्रेक के बाद दो टुक में आपका स्वागत है। आज हम आपकी जीत की कहानी बता रहे हैं और ये बता रहे हैं कि राजनीतिक दलों को आपने आखिर संदेश दिया क्या है। बंगाल और केरल के बाद तमिलनाडु, यहां करुणानिधि का साथ देकर कांग्रेस ने अपनी हार की कहानी बहुत पहले लिख ली। इसमें कोई दो राय नहीं कि कांग्रेस ने भ्रष्टाचार के आरोप में अपने मुख्यमंत्री, सांसद और सहयोगी दल के एक मंत्री के खिलाफ कार्रवाई की, अपने सांसद सुरेश कलमानी पर कार्रवाई की जरूर, लेकिन तब जब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, उन्हें पार्टी से बाद में निकाला गया, सारी कार्रवाई वक्त निकल जाने के बाद की गई। हमारे यहां कहावत है कि जब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुन गई खेत। आइए देखते हैं तमिलनाडु और पुडुचेरी के संकेत क्या हैं और आपने राजनीतिक दलों को सीधे सीधे क्या इशारे किए हैं। तमिलनाडु की जनता ने करुणानिधि और कांग्रेस को एक सिरे से नकार दिया है। डीएमके की ये 1991 के बाद अब तक की सबसे बुरी हार है, जब राजीव गांधी की हत्या हुई थी। ये डीएमके के 1967 से अब तक के राजनीतिक इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा झटका है। डीएमके खिसक कर तीसरे स्थान पर पहुंच गई है। 29 सीटें जीत कर दूसरे स्थान पर अभिनेता विजय कांत की डीएमडीके रही। पिछली बार इस पार्टी की सिर्फ 1 सीट थी। कांग्रेस की भी मट्टी पलीद हो गई है। कांग्रेस 63 सीटों पर लड़ी, जिसमें से वो सिर्फ 5 सीटें ही जीत सकी। जनता का आक्रोश इस बात से देखा जा सकता है कि राज्य के 29 मंत्रियों में से 18 मंत्रियों ने अपनी सीट गंवा दी। कांग्रेस पार्टी को मतदाताओं ने ये सीख दी कि अगर वो भ्रष्टाचार के साथ खड़ी दिखाई देती है और परफॉर्मेंस नहीं करती है तो इससे सारे देश में नुकसान होने वाला है। देश में संदेश गया कि करुणानिधि की पार्टी के भ्रष्टाचार के साथ कांग्रेस खड़ी है। क्या कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस सरकार अलग अलग है? अलग अलग है तो इसका सरकार पर कोई नियंत्रण नहीं है, और अगर पार्टी और सरकार एक है तो फिर इस पार्टी का खुदा ही मालिक है। जब राजा को हटाना चाहिए था तब नहीं हटाया, जब राजा पर मुकदमा चलाना चाहिए था तब नहीं चलाया, जब राजा को हटाया तो इसका श्रेय सरकार को न जाकर सीबीआई को मिला। जयललिता की जीत में डीएमके गठबंधन का ही सबसे बड़ा हाथ है। जयललिता ने ये चुनाव जहां एक और राज्य में करुणानिधि के परिवारवाद के विरोध में लड़ा, वहीं डीएमके की 2G स्पेक्ट्रम मसले में हुई फजीहत को भी बड़ा मुद्दा बनाया। जहां एक और शहरी जनता को करुणानिधि के परिवार का 2G घोटाले में लिप्त होना नागवार गुजरा,
वहीं ग्रामीण जनता के साथ करुणानिधि के परिवारवाद का मुद्दा सफल रहा। चुनाव प्रचार के समय करुणानिधि कांग्रेस गठबंधन ने जनता को मुफ्त में घर के सामान बांटकर लुभाने की कोशिश की थी। उन्हें लगा कि वोटरों का घर अगर भर दिया गया तो भ्रष्टाचार का मुद्दा खत्म हो जाएगा, लेकिन जनता ने इसे गलत साबित कर दिया। ये संदेश दिया कि लोभ देकर उनके वोट नहीं मिल सकते। पुदुचेरी में कांग्रेस गठबंधन को गजब का झटका लगा है। कांग्रेस को विश्वास ही नहीं हो रहा है कि पुदुचेरी का चुनाव कैसे हार गए। इन चुनावों से कुछ दिनों पहले ही एन रंगास्वामी कांग्रेस से अलग हुए, अपनी पार्टी बनाई, IADMK के साथ गठबंधन बनाकर पुदुचेरी पर एक तरह से एकाधिकार कर लिया है। कुल 30 सीटों में से 20 सीटें जीत ली। क्या जयललिता ईमानदार है? नहीं, ईमानदार नहीं है। पिछली बार भ्रष्टाचार के आरोप में ही जनता ने उनके खिलाफ करुणानिधि जी को वोट दिया था, लेकिन करुणानिधि के परिवार, सहयोगियों, उनकी बेटी के सहयोग से ए राजा ने जिस तरह तमिलनाडु और सारे देश में लूट मचाई, उसने जनता को संशय में डाल दिया। करुणानिधि जी के परिवार के 66 लोग राजनीति में तमिलनाडु में लूट की कहानी पिछले 5 साल से लिख रहे हैं। करुणानिधि की हार या जीत का इंतजार सारे देश को था। अगर उनकी पराजय 5 या 10 सीट से होती तो ये देश के लोगों के लिए चिंता की बात होती, क्योंकि इससे ये संदेश मिलता कि भ्रष्टाचार अब देश में चिंता का विषय नहीं रहा। इसका फैसला तमिलनाडु के लोगों को करना था, और तमिलनाडु के लोगों को बधाई देते हैं कि उन्होंने ऐसा फैसला लिया जैसा देश के लोग चाहते थे। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि असम की जनता का संदेश, और साथ ही हम आपको बताएंगे भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में जनता ने क्या संदेश दिया, और भारतीय जनता पार्टी इस संदेश को लेने की मानसिक स्थिति में है भी या नहीं। एक ब्रेक लेते हैं और अभी वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद दो टूक में आपका स्वागत है। 5 राज्यों में चुनाव हुए, उनमें राजनीतिक दल नहीं जीते, आप जीते। आपने इन राजनीतिक दलों को साफ संदेश दिया। इस संदेश को हम इन राजनीतिक दलों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इन 5 प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी के पास पहले जितनी सीटें थी, इनमें एक भी सीट की बढ़ोतरी नहीं हुई, इजाफा नहीं हुआ, बल्कि आधे से ज्यादा सीटों का नुकसान हुआ है। असम इसका उदाहरण है। वहीं कांग्रेस पार्टी के लिए असम खुशखबरी लेकर आया। यहां तीसरी बार तरुण गोगोई ने कांग्रेस को जीत दिलाई, लेकिन क्या यह जीत कांग्रेस पार्टी के काम, उसकी योजना या उसकी नीतियों की वजह से हुई है? आइए देखते हैं। एग्जिट पोल से पहले ये अनुमान लगाया जा रहा था कि असम में कांग्रेस को अपनी सरकार बचाने के लिए खासी मशक्कत करनी पड़ सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और तरुण गोगोई के नेतृत्व में कांग्रेस लगातार तीसरी बार सत्ता में वापस आ गई। असम को लेकर एक सवाल उठना लाजमी है कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि तरुण गोगोई तीसरी बार कांग्रेस को जिता ले गए। दरअसल असम में कांग्रेस जीती, लेकिन मनमोहन सिंह या सोनिया की कांग्रेस नहीं जीती। वहां कांग्रेस जीती तरुण गोगोई के काम, दिग्विजय सिंह की रणनीति और परवेज हाशमी के मुसलमानों के बीच की गई कोशिशों की वजह से। चुनाव परिणामों से बहुत पहले दिग्विजय सिंह ने कह दिया था कि असम में कांग्रेस जीतने वाली है, क्योंकि वहां विपक्ष बटा हुआ है। दिग्विजय सिंह का ये राजनीतिक आकलन बहुत सही था। उन्होंने होशियारी के साथ ये आकलन तब किया जब वहां आखिरी दौर का मतदान समाप्त हो गया। अगर वो यही बात पहले कह देते तो शायद विपक्ष वहां एक होने की कोशिश करता। एक होने के बाद भी शायद कुछ संभव नहीं हो पाता, क्योंकि उन सभी के हित अलग अलग थे। गोगोई को जिस चीज का सबसे ज्यादा फायदा मिला वो ये है कि असम में विपक्ष कहीं नहीं दिखा। अगर दिख भी रहा है तो बिखरा हुआ और असंगठित, चाहे वो असम गण परिषद हो या भारतीय जनता पार्टी। हाँ, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट का प्रदर्शन ठीक रहा, लेकिन अंततः एक मजबूत विपक्ष की कमी ने कांग्रेस को एक और मौका दे दिया। इस चुनाव परिणाम से असम गण परिषद काफी कुछ सीख सकता है, खासकर प्रफुल्ल कुमार महंत। उन्होंने चुनाव से पूर्व एक महागठबंधन बनाने की कोशिश की थी जो असफल साबित हुई। बहरहाल कांग्रेस को जीत तो मिल गई, लेकिन अब उसे अपना ध्यान जनता की समस्याओं पर केंद्रित रखना होगा। अल्पसंख्यकों की हालत भी दयनीय है। बाढ़ का मुद्दा ऐसा है जिससे असम की जनता हर साल प्रभावित होती है।
सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि मनमोहन सिंह असम से ही राज्यसभा में आते हैं। ऐसे में असम की जनता को कांग्रेस से काफी उम्मीदें हैं, जिन्हें निश्चित तौर पर पूरा किया जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी इन 5 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस की खराब हालत पर बहुत खुश है। एक तरफ जहां कांग्रेस इस बात से खुश है कि उसने ममता के साथ बंगाल में अपने को हारा हुआ नहीं माना, असम और केरल में उसने सरकार बना ली, वो तमिलनाडु को याद नहीं करना चाहती। भारतीय जनता पार्टी इससे बिल्कुल उलट अपनी हार को देखना ही नहीं चाहती। उसके अध्यक्ष नितिन गडकरी एक अक्षम अध्यक्ष के रूप में सामने आए हैं। न तो वो पार्टी को उत्साहित कर सके, न कार्यकर्ताओं में जोश भर सके। नितिन गडकरी जसवंत सिंह जैसे लोगों को पार्टी में ले तो आए, लेकिन उनका इस्तेमाल नहीं कर सके। भारतीय जनता पार्टी मूर्छित अवस्था में जाती दिखाई दे रही। इन चुनावों में इसका जैसा हाल हुआ है, उससे डर इस बात का है कि लोकसभा में अब इसकी बात में कोई दम रहेगा या नहीं रहेगा। नितिन गडकरी साहब पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते कुछ भी नहीं कर सके। जरूरत इस बात की है कि पार्टी को एक ऐसा अध्यक्ष मिले जो पूरे संगठन में नए सिरे से ऊर्जा भर सके। आज ऐसे 2 लोग हो सकते हैं, लाल कृष्ण आडवाणी, जिन्हें अध्यक्ष के रूप में पार्टी का पूरा संचालन सौंपा जाए, उन्हें पूरी आजादी दी जाए। अगर आडवाणी जी पार्टी का संचालन स्वीकार नहीं करते तो जसवंत सिंह दूसरे ऐसे नेता हैं जिन्हें अध्यक्ष के रूप में पार्टी को संचालित करना चाहिए, उसका संचालन दिया जाना चाहिए। उनकी छवि एक उदारवादी नेता की छवि है, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी की झलक दिखाई देती है। जसवंत सिंह को शायद आज भी पता नहीं होगा कि उन्हें क्यों पार्टी से निकाल दिया गया, और यह भी पता नहीं होगा कि उन्हें पार्टी में पुनः क्यों लिया गया। भारतीय जनता पार्टी सिकुड़ रही है, विपक्ष का रोल नहीं निभा पा रही है और भरोसा नहीं जगा पा रही है कि वो लोगों की समस्याओं, चिंताओं और दर्द के निदान के लिए आंदोलन करेगी या आंदोलन कर भी सकती है या नहीं। उसी तरह एनडीए, जिसके साथ पार्टियां जुड़ी थी और जिसकी वजह से अटल जी की सरकार चली थी, वो भी बिल्कुल निष्क्रिय हो गया है। शायद इसलिए कि शरद यादव की कोशिशों पर भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण विराम लगा दिया है, रोक लगा दी है। इसमें कोई दो राय नहीं कि शरद यादव के दिमाग में कोई राजनीतिक नक्शा जरूर होगा, जिसकी वजह से वो एनडीए को निष्क्रिय किए हुए हैं। कुल मिलाकर ये चुनाव पार्टियों के लिए निराशाजनक है, खतरे का संकेत है। बुरी तरह आसमान में खतरा लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। ये राजनीतिक दल उसे समझना नहीं चाहते, चेतना नहीं चाहते, अपनी कार्यप्रणाली सुधारना नहीं चाहते, जबकि ये चुनाव इसी का संकेत दे रहे हैं। वहीं दूसरी ओर देश के लोगों के लिए चुनाव आशा की किरण है। आपने अपनी जीत को महसूस करने और उस जीत को जीने के लिए जो जज्बा है, वो ही देश के लोकतंत्र के लिए आशा की किरण है। कोई ऐसा समूह, कोई ऐसा व्यक्ति सपना और वादा अगर लेकर सामने आता है जिसमें लोगों को अपनी समस्याओं का समाधान निकलता दिखे, तो लोग उसके साथ जरूर खड़े होंगे। ऐसा इन चुनावों ने छुपा हुआ संकेत दिया है। अब वो व्यक्ति या समूह कौन होगा अभी नहीं पता, 2014 थोड़ी दूर है, तब तक हो सकता है कि इन चुनावों के संकेतों को समझकर कोई नया समूह तैयार हो जिसे देश के लोगों का समर्थन मिल सके। यह है आपकी जीत की कहानी, आपके जज्बे की, आपके दिमाग की, आपकी समझ की जीत की कहानी। आपको, आपकी समझ को और आपके विजन को हम सर झुकाकर नमन करते हैं। हम जो कहते हैं सच कहते हैं, दो टूक कहते हैं। जय हिंद।